पैरों या फिर हाथ के तलवों में जलन एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। कुछ लोगों को ये परेशानी सर्दी या गर्मी के मौसम में होती है, तो कुछ लोगों को किसी भी मौसम में ये जलन परेशान कर देती है। वैसे तो इस जलन के कई सारे कारण होते हैं, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, कैल्शियम या फिर विटामिन बी की कमी, और कई बार ये मौसम की वजह से होता है, और कई बार ये डायबिटीज यानी कि शुगर की वजह से भी होता है। इंग्लिश में इसे बर्निंग फीट सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आप या आपका कोई भी परिचित इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये वीडियो खास आप जैसे लोगों के लिए है। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प देगा इस बर्निंग फीट सिंड्रोम से निपटने में। दोस्तों, अगर आपके भी हाथ या पैरों के तलवों में जलन होती है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, और अगर कोई और इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो ये वीडियो शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने रेमेडी की तरफ। तो यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए, इस दवाई को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं सूखे धनिया के बीज। धनिया जो है हर किचन में इजीली अवेलेबल होती है, आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होती है। डायबिटीज के मरीज होते हैं, तो उनके लिए धनिया के बीज बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं। ये हमारे पाचन को सुधारता है। अगर हमें आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों के दर्द की समस्या है, गठिया की समस्या है, तो उससे निकलने में हमारी हेल्प करता है। आंखों में कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, तो धनिया का सेवन करें। अगर आपको एनीमिया है यानी कि खून की कमी है, तो धनिया के सेवन से आपका खून जो है बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए धनिया बहुत ही कारगर साबित होता है। इसके अलावा अगर आपको पीरियड में किसी तरह का दर्द है, या फिर आपको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर आप धनिया का सेवन करें। अगर आपको न्यूरो की कोई प्रॉब्लम है, यानी कि नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप धनिया के बीज के फायदे जरूर अपना कर देखिएगा। धनिया के बीजों का सेवन बहुत रोगों से हमारी निजात दिलाता है। ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। धनिया का सेवन स्किन की एलर्जी में बहुत ही कारगर होता है। अगर आपके हाथ और पैरों के तलों में जलन होती है, तो आप जो है धनिया का सेवन करिए। धनिया का सेवन कैसे करना है, ये आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने लिए हैं सौंफ। सौंफ के गुणकारी फायदे कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में सौंफ के बहुत सारे फायदे बताए हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, और सौंफ जो होता है हमारे शरीर में कूलिंग प्रॉपर्टी जो है बढ़ाता है। अगर आपको इस तरह के जलन की शिकायत है, तो अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं, तो आपको काफी हद तक रिलीफ मिलता है। माउथ फ्रेशनर का काम करता है, मुंह से बदबू आती है, या फिर मुंह में पायरिया की शिकायत है, तो फिर आप सौंफ का सेवन करें। सौंफ की चाय पीने से वेट लॉस भी होता है। तो सौंफ के अनगिनत बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, जिनको सारे फायदों को अगर आप गिनने बैठेंगे, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने धनिया के बाद अब लिए हैं सौंफ। सौंफ मैंने कितना लिया है और आगे हम कितना लेंगे, ये मैं आपको आगे आपको वीडियो में क्वांटिटी बताती जाऊंगी। सौंफ और धनिया के बाद हमें चाहिए होगी मिश्री, जिसे कि सीटा मिश्री बोलते हैं। ये धागे वाली मिश्री होती है, जो पंसारी की शॉप पर बहुत ही इजीली अवेलेबल होती है। ये मिश्री थोड़ा सा कूट कर यूज करना पड़ता है, तो इस मिश्री को मैंने पहले ही कूट कर रख लिया है। मिश्री की तासीर ठंडी होती है, और साथ ही ये हमारी इस रेमेडी में मिठास भरने का काम करेगी। क्योंकि ये जो रेमेडी मैं बना रही हूँ, इसमें जो है हम चीनी का यूज नहीं कर सकते, इसमें हम मिश्री का ही यूज करेंगे। तो धनिया और सौंफ के बाद मिश्री एक ऐसी चीज है जो इस रेमेडी में हमें चाहिए होगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मिश्री को पहले से ही कूट कर रखा हुआ है, और ये जो हमारी साबुत मिश्री है, इसको हम हटा देते हैं। हमारी ये छोटी टुकड़ों में टूटी हुई मिश्री हमारे काम आएगी। इसे आप किसी बोतल पेस्टल में कूट सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिक्सी का जार लेने के बाद मैं यहाँ पर मिश्री डाल दूंगी। मिश्री लगभग 3 से 4 चम्मच है, और अब इसके बाद से जो है हम धनिया लेंगे। तो धनिया कितनी लेनी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। नॉर्मल खाने वाली चम्मच से मैं सारी क्वांटिटी आपको बताऊंगी। तो 3 से 4 चम्मच मिश्री है, साथ ही 2 चम्मच धनिया के बीज है। साथ ही उसी चम्मच से हम सौंफ का मेजर कर लेते हैं। तो सौंफ भी हम इतना ही लेंगे जितने की धनिया है। दोनों चीजों को सेम क्वांटिटी में लेंगे। मिक्सी के जार का ढक्कन लगाएंगे, और इसका हम एक बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लेते हैं। सारी चीजों को पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। तो देखिए, इसका कुछ यूं इस कलर का पाउडर बनकर तैयार हुआ है। ये पाउडर जो होता है, इसे आप एयरटाइट डिब्बे में भर के आसानी से बनाकर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी आपको ये जलन की शिकायत हो, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये ड्राई पाउडर होता है, और आराम से महीनों दिन तक खराब नहीं होता है। आराम से आप इसे 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, इसका सेवन कैसे करना है, ये भी मैं आगे आपको बता देती हूँ। ये जो पाउडर है दोस्तों, इसे आप बहुत ही आसानी से खाना वगैरह खाने के बाद ले सकते हैं। इसे आपको पूरे दिन में 2 बार लेना है। तो यहाँ पर जो ग्लास में पानी है, वो नॉर्मल पानी है। अगर आप सर्दी में इस रेमेडी को यूज करना है, तो आप पानी को हल्का सा गुनगुना कर सकते हैं, पर अगर आप गर्मी में लेना है, तो नॉर्मल पानी का यूज करें। और ये एक चम्मच जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी एक खाने वाले चम्मच से जिसे हमने सारा मेजरमेंट किया है, इसी से जो है हम अपना
ये दवाई नापेंगे और एक चम्मच लेंगे, साथ ही एक गिलास पानी लेंगे। ये पाउडर को खाने के बाद आप ऊपर से पानी पी लीजिए। सुबह जब आपने लंच कर लिया हो या फिर ब्रेकफास्ट के बाद भी आप ले सकते हैं, रात के डिनर के आधे घंटे बाद आप इस दवाई को ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट लेना है, दवाई बहुत ही आसान है, इसको लेना बहुत ही सिंपल है। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप मिश्री को स्किप कर दीजिए और सिर्फ सौंफ और धनिया के पाउडर को आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। इससे आपको पैर और तलवों के जलन में बहुत ज़्यादा फायदा नजर आएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों मेरी अपनी आज की सेकेंड रेमेडी पर, जिससे आप पैरों और तलवों की जलन से हाथ पैर के तलवे की जो जलन है उससे बहुत आसानी से राहत पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आई जो ये है, ये नारियल तेल, कोकोनट ऑयल हम सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। नारियल का तेल जो होता है वो हमारी स्किन को ठंडक प्रदान करने वाला माना जाता है, चाहे नारियल पानी पीने वाला हो या फिर नारियल का तेल हो। नारियल जो होता है इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और ये गर्मी के मौसम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसलिए यहाँ पर स्किन के लिए हम नारियल के तेल का यूज करेंगे। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, साथ ही ये एंटी फंगस गुणों से भरपूर होता है। ये जो है बहुत ही हल्का होता है। अब इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ दोस्तों मुल्तानी मिट्टी। जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी जो होती है वो आप सब जानते होंगे, आराम से ग्रोसरी शॉप पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको खड़ी मुल्तानी मिट्टी मिलती है तो आप इसका मोटर पेस्टल में थोड़ा सा पाउडर बना सकते हैं या फिर मिक्सी में पीस सकते हैं। ये स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद मानी जाती है। इसमें जो है स्किन को हाइड्रेट करने वाले गुण होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक छोटा सा आइस क्यूब। जी हाँ, आइस क्यूब से हमारे इस पूरे मिक्सचर को ऐसी ठंडक मिलेगी जिससे हमारे हाथ और पैर के तलवों की जलन शांत हो जाएगी। अब इन तीनों चीजों को हमें मिलाना है जब तक कि आइस क्यूब अच्छे से पिघल ना जाए। जी हाँ दोस्तों, तीनों चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आइस क्यूब को पिघलने में 2 मिनट का टाइम लगता है, बस आप इसको ऐसे ही मिक्स करते रहें। मुल्तानी मिट्टी ऐसी होती है दोस्तों कि जब कभी स्किन पे चोट लग जाती है, कहीं आपके शरीर पे कोई चोट लग जाए तो आप मुल्तानी मिट्टी का लेप करिए, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। पुराने जमाने में जब दवाइयां नहीं होती थी तब लोग मुल्तानी मिट्टी का ही यूज करते थे। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, बालों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब यहाँ पर सारी चीजों को अच्छे से मैंने मिला लिया है, हमारा एक बढ़िया गाढ़ा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपको जलन है, जैसे अगर आपको पैर के तलवों में जलन है तो वहां पर आपको इसका लेप करना है। मैं यहाँ पर हाथों पर लगाकर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमको इसका लेप करना है। अगर आपके हाथों में जलन है तो हाथों के भी इस पार्ट पर आप बहुत आसानी से इसका लेप कर सकते हैं। पैरों के तलवों में जलन है तो पैरों के तलवों में इसका लेप करिए। आराम से इसको आधे से 1 घंटा अच्छे से सूखने दीजिए। इसको आपको तुरंत वॉश नहीं करना है, आधे 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, आप अपना दूसरा कोई काम करिए और उसके बाद से इसको हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। जब मुल्तानी मिट्टी अच्छे से ड्राई होने लगे, आपको लगे कि अभी ये एकदम खिंचने सी लगी है, और फिर आप इसको नॉर्मल ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। ध्यान रखें कि इसको धुलने के लिए ठंडे पानी का यूज करें, उससे जो है हाथ और पैरों के तलवों की जो जलन होती है वो शांत होती है। अगर दोस्तों आपको बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा है तो एक बार आप अपनी बॉडी का शुगर लेवल और यूरिक एसिड का लेवल भी चेक कराते रहिए, क्योंकि कभी कभी इन चीजों की वजह से भी हमारे हाथ और पैरों के तलवों में काफी ज्यादा जलन हो सकती है। अब इसको जो है अच्छे से वॉश करने के बाद आप देखेंगे, पहले और दूसरे बार के राउंड से ही आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर के तलवे जो हैं उनकी जलन शांत होने लगी है, आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलने लगा है। इस पेस्ट को बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब आपको जरूरत हो तो आप निकाल कर इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर इसको डायलूट करें और फिर इसका यूज करें। तो इस तरह से दोस्तों आपने आज 2 रेमेडी देखी, एक तो खाने वाली पानी के साथ साथ ही दूसरी लगाने वाली। इन दोनों को आप ट्राई करिएगा और मुझे वीडियो को कमेंट में फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी ये दोनों रेमेडीज कैसी लगी। तो आई होप दोस्तों आज की रेमेडीज आपको पसंद आई होंगी, और भी रेमेडीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।